एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो होने वाला है मेरा ह्यूज ब्लाउज कलेक्शन। ये है एक रिक्वेस्टेड वीडियो, काफी टाइम से आप लोगों के मैसेज और कमेंट्स आ रहे थे तो फाइनली मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि आप लोग बोल रहे थे कि दी आपका ब्लाउज कलेक्शन बहुत ज्यादा यूनिक है। तो आज मैंने टोटल ऐसे 14 और 15 ब्लाउज पिक किए हैं ना, जो कि वर्सेटाइल पीस है। ये आपके पास होने ही चाहिए, इन्हें आप क्रॉप टॉप की तरह एज ए ब्लाउज या फिर लहंगे के साथ भी कैरी कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा और सारे ब्लाउज ऐसे हैं जिन्हें आपने मुझे डेली रेगुलर वीडियो में पहनते हुए देखा होगा। सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको नहीं दे पाऊंगी इस वीडियो में, आप देख लीजिए सारे ब्लाउज। अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए प्राइसेस वगैरह के बारे में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट्स की रिप्लाई दूंगी, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू पूछ सकते हैं। और जो भी ब्लाउज का ट्रायल मेरे पास होगा मैं साइड में लगा दूंगी, नहीं तो मैं पिक्स सभी की लगा दूंगी, तो आप एक बार देख लेना। तो चलिए विदाउट एनी लेट वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो ब्लाउज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है बहुत ही खूबसूरत सा वेलवेट ब्लाउज, जिसकी काफी ज्यादा रिक्वेस्ट आती है जब भी मैं पहनती हूँ। तो ये बहुत ही खूबसूरत ब्लाउज है एंड जब से मैंने परचेज किया है मैं तो हर साड़ी हर लहंगे के साथ इसे पेयर अप कर रही हूँ, क्योंकि सभी के साथ चल भी जाता है प्लस स्टाइलिश लगता है। ये आपको स्लीवलेस ब्लाउज मिलेगा एंड एक वेलवेट ब्लाउज है, फुल पैडेड है, साइड में जिप है, इसमें आपको सारे साइज मिल जाते हैं। मेरा साइज है मीडियम एंड यार पहनने के बाद बहुत अच्छा लगता है ब्लाउज एंड यार वर्सेटाइल ब्लाउज है, आपके पास होना ही चाहिए आपकी वार्डरोब में, क्योंकि आपकी सभी साड़ी लहंगे के साथ इजीली चले जाते हैं, आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। तो नेक्स्ट ब्लाउज की तरफ बढ़ने से पहले कुछ एक्साइटिंग से प्रोडक्ट्स है जो मुझे आपके साथ शेयर करने थे एंड दिस इज द ड्यूस परफ्यूम्स। एंड दो परफ्यूम्स है जिनको मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ, पैकेजिंग आप देख लो कितनी ज्यादा क्यूट है, प्लस काफी लॉन्ग टाइम से मैं इन्हें यूज कर रही हूँ एंड फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा अच्छी है, माइल्ड सी फ्रेग्रेंस है, जैसी मुझे पसंद है बिल्कुल वैसी है एंड रियली आपको भी बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी फ्रेग्रेंस, डेफिनेटली ट्राई करना। अभी बहुत अच्छा लगा मुझे, पैकेजिंग आप देख लो बहुत ज्यादा रॉयल है, प्लस फ्रेग्रेंस तो बहुत अच्छी है ही, और ऐसी फ्रेग्रेंस है ना आपकी लॉन्ग टाइम तक चलती है, प्लस बहुत ही ज्यादा माइल्ड सी फ्रेग्रेंस है। नो वर्क गाइस, ये वाले परफ्यूम बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मुझे पड़ रहे हैं एंड इसकी जो फर्स्ट वाले परफ्यूम की जो प्राइस है ना जो मुझे पड़ी है आफ्टर डिस्काउंट वो है 384 रुपीज, स्क्रीन पे मेंशन कर रही हूँ। और इस वाले परफ्यूम की प्राइस मुझे पड़ी है आफ्टर डिस्काउंट 401 रुपए, यानी कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है। अब आप लोग पूछोगे मैंने ये सब कहाँ से परचेज कर लिए, ये मैंने परचेज किया है ट्रैश शॉप ऐप से। ट्रैश शॉप ऐप एक इंडियन ऐप है जिसमें आप वीडियो भी बना सकते हो, प्लस साथ के साथ मोस्ट एक्साइटिंग पार्टीज आप शॉपिंग भी कर सकते हो। ट्रैल है अपना फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, यहाँ पे आपको काफी सारी जो है डिस्काउंट देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे आपको ह्यूज सेल देखने को मिल रही है, लाइक एवरी परचेज पे आपको गिफ्ट देखने को मिल रहा है, प्लस यहाँ पे फ्लैश सेल हो गई, डील ऑफ द डे हो गई, हर मंथ में सेल आएगी। रक्षाबंधन इज कमिंग, तो आप अपने फेवरेट ब्रांड्स के जो है मेकअप एंड स्किन केयर प्रोडक्ट्स खरीद सकते हो, यहाँ पे आपको आपके फेवरेट ब्रांड्स लाइक प्लम पे, उस्त्रा पे, बॉम्बे शेविंग कंपनी प्लस मेबेलिन पे काफी ह्यूज डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, तो आप अपने लिए भी परचेज कर सकते हो, प्लस गिफ्ट्स के लिए भी आप परचेज कर सकते हो। प्लस सेल जैसा शब्द हम लड़कियों को बहुत ज्यादा प्यारा लगता है, क्योंकि सेल में प्रोडक्ट मिलना यार बहुत ही अमेजिंग डील है, तो डेफिनेटली आप मिस मत करना इस वाली डील को। प्लस एक्साइटिंग पार्टीज, अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हो जो अब स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा तो इससे आपको एक्स्ट्रा 20% भी ऑफ मिल जाएगा, श्योर आप मेरा कूपन कोड यूज करें। एंड प्लस यहाँ पे है फ्री डिलीवरी, तो जल्दी से जाइए शॉपिंग कीजिए एंड अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। प्रोडक्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। जो नेक्स्ट मेरा फेवरेट ब्लाउज है वो है ये वाला ब्लाउज, जिसके लिए आप लोग बार बार पूछते हो मैंने कहाँ से परचेज किया है। तो यार ये आप लोग मुझे इस तरीके का ब्लाउज है और ये रेडीमेड नहीं था, ये मैंने फैब्रिक परचेज किया था लोकल मार्केट से, जस्ट फिर मैंने इसे स्टिच करवाया एंड आपको भी इजीली मिल जाएगा ऐसा फैब्रिक मार्केट में। तो आप ऐसा ब्लाउज भी अपनी वार्डरोब में रखो, क्योंकि ये आपके सिल्वर एंड गोल्डन जितनी भी साड़ियां हैं जितने भी लहंगे जिनमें सिल्वर और गोल्डन ब्लाउज चल रहे हैं उनके साथ इजीली चले जाता है, प्लस इसका लुक भी है ना काफी ज्यादा हैवी आता है। परचेज करो ये वाला फैब्रिक, तो इसमें आप डिजाइन मत डलवाना, प्लेन ब्लाउज बनवाना जिससे कि ना लुक काफी अच्छा है, क्योंकि अपने आप में एक स्टेटमेंट पीस है एंड कुछ इस तरीके का है मेरा ये वाला ब्लाउज जो मेरा फेवरेट ब्लाउज है। अब नेक्स्ट जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है चुनरी ब्लाउज, ये भी आपके पास यार होना चाहिए, मैंने बहुत सारी वीडियोस में इसे पहना होगा, बहुत सारी साड़ी के साथ पेयर अप किया होगा, मैंने इसे लहंगे के ऊपर स्टिच करवाया था और जस्ट मैंने ये वाला जो फैब्रिक है ना मार्केट से पिक किया था
एंड फिर इस तरीके का ब्लाउज मैंने इससे स्टिच करवाया। अगर मेरे पास इमेज मिल गई मैं साइड में लगवा दूंगी या फिर क्लिप मिल गई वो लगवा दूंगी। इसका बैग भी है ना बहुत ज्यादा प्यारा है। इसमें मैं पैड लगवाना है ना पहले भूल गई थी, बाद में मुझे याद आया यार मुझे इसे पैडेड स्टिच करवाना था, फिर मैंने अलग से पैड लिए और ऊपर से इसे लगवाया है, तो जिससे आप अंदर ब्रा वगैरह की आपको कोई टेंशन नहीं है पहनने की। तो इसलिए इस तरीके का आपको ये ब्लाउज है। इसकी स्लीव्स है ना बहुत ज्यादा अच्छी है कि आपको डबल लेयर में देखने को मिल जाएगी एंड बैक भी इसका बहुत ज्यादा प्रीटी है, प्लस बहुत ही कंफर्टेबल सा ब्लाउज है एंड आपके ना किसी भी लहंगे के साथ या फिर साड़ी के साथ बहुत ज्यादा स्टाइलिश लगेगा। तो ये भी आप स्टिच करवा सकते हो, मस्ट हैव ब्लाउज है ये वाला। अब जो नेक्स्ट ब्लाउज है वो कोई ब्लाउज नहीं है, ये एक ब्रालेट है एंड जब भी मैं इसे पहनती हूँ आप लोग कॉमेंट्स करते हो तो यार ये भी आपकी वार्डरोब में होनी चाहिए। ये मैंने ब्लैक कलर में पिक की एंड ये बहुत ही कंफर्टेबल रहती है पहनने के बाद, प्लस बहुत ज्यादा स्टाइलिश लगती है। या प्लेन साड़ी के साथ विद बेल्ट आप इसे स्टाइल कर सकते हो या फिर हैवी साड़ी के साथ तो आप इसे कर ही सकते हो, लुक काफी ज्यादा अच्छा आता है। प्लस इसका फैब्रिक है ना ऐसा है कि आप इसे इजिली पूरे दिन कैरी कर सकते हो एंड क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। काफी टाइम से मैं इसे पहन रही हूँ एंड आप देख सकते हो कितनी अच्छी क्वालिटी निकली है। तो ये भी है जो आपकी वार्डरोब में होना चाहिए, मस्ट हैव पीस है ये वाला। अब जो नेक्स्ट मेरा फेवरेट है वो है रेनबो ब्लाउज। इसको मुझे ज्यादा टाइम नहीं हुआ परचेज किए हुए, जस्ट मैंने इसे थोड़े टाइम पहले परचेज किया है, लेकिन जितने भी टाइम से मैंने इसे परचेज किया उतने टाइम से मैं इसे पहन भी रही हूँ एंड ये बहुत ही यूनिक सा पीस है, लाइक किसी के पास मिलता नहीं है जल्दी से। प्लस अगर आपको ना पार्टी वगैरह अटेंड करनी है तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा पीस है ये वाला एंड इसमें जो शाइन आती है ना रेनबो वाली वो काफी ज्यादा अच्छी लगती है। ये आपको कुछ ऐसा स्लीवलेस देखने को मिलता है, स्लीव्स वगैरह इसमें आपको अंदर मिल जाएगी, तो अगर आप स्लीवलेस नहीं पहनते हो तो आप स्लीव्स लगवा सकते हो। प्लस ये पैडेड ब्लाउज आया है, इसमें अंदर पूरा फैब्रिक मतलब जो लाइनिंग वगैरह है कॉटन की दी हुई है, प्लस मार्जिन भी काफी देखने को मिल जाएगा। ये आपके फ्री साइज में आते हैं ब्लाउज, तो अगर आप एक्सल डबल एक्सल साइज में हो तो भी आप इसे अपने अकॉर्डिंग ऑल्टर करवा सकते हो। बैक इसका आपको प्लेन मिलेगा लेकिन इसका फ्रंट है ना बहुत ज्यादा स्टाइलिश है, तो ये भी आपके वार्डरोब में होना चाहिए क्योंकि आपकी ब्लैक साड़ी के साथ या फिर किसी भी लहंगे के साथ और भी किसी भी साड़ी के साथ इजीली चले जाएगा क्योंकि एक रेनबो ब्लाउज है, पहनने के बाद लुक काफी ज्यादा अच्छा आएगा। साइड में इमेज या क्लिप जो भी मेरे पास अवेलेबल हुई मैं दे दूंगी। तो ये है जो मेरा फेवरेट पीस है। अब जो नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है मल्टी कलर ब्लाउज। अगर आपके वार्डरोब में मल्टी कलर ब्लाउज नहीं है तो डेफिनेटली ले लेना क्योंकि मल्टी कलर ब्लाउज तो यार होने ही चाहिए एंड मल्टी कलर में ना मैंने दो ब्लाउज मेरे फेवरेट है। तो फर्स्ट वाला जो मेरा फेवरेट है वो है ये वाला ब्लाउज। बेल्ट स्टाइल ब्लाउज है ना अभी काफी ज्यादा ट्रेंडी है एंड अगर मुझे इमेज मिल गई तो मैं साइड में लगवा दूंगी। तो बेल्ट ब्लाउज बहुत अच्छी लगता है पहनने के बाद और लुक काफी ज्यादा अच्छा आता है, और ये वाला ब्लाउज है ना इसका बैक भी काफी ज्यादा अच्छा है, प्लस पूरा आपको इस तरीके का सिक्वेंस ब्लाउज देखने को मिल जाएगा और मल्टी कलर है तो किसी भी साड़ी के साथ इजीली चले जाएगा और कुछ शर्ट स्टाइल लुक आता है इस वाले ब्लाउज का पहनने के बाद। तो ये भी एक ऐसा ब्लाउज है जो मेरा फेवरेट ब्लाउज है एंड काफी सारी साड़ियों के साथ मैं इसे पेयर अप करती हूँ। पैडेड ब्लाउज है, क्वालिटी बहुत अच्छी निकली है, काफी लॉन्ग टाइम से मैं इसे यूज कर रही हूँ एंड नेक्स्ट जो मेरा मल्टी कलर ब्लाउज फेवरेट है वो है ये वाला। ये वाला भी मैं काफी टाइम से बहुत सारी साड़ियां हो गई या फिर लहंगे हो गए बहुत सारी साड़ियों के साथ मैंने इसे पेयर अप किया होगा क्योंकि सभी के साथ ये इजीली चले जाता है। और इसमें जो वर्क किया हुआ है ना ये प्रिंट है और प्रिंट के ऊपर एक जरी का वर्क किया हुआ है, प्लस इसका ना बैक बहुत ज्यादा अच्छा है। बैक में आपको इस तरीके की टेसल्स देखने को मिल जाता है जो कि काफी ज्यादा अच्छे हैं, काफी अच्छा लुक आता है इसका पहनने के बाद, काफी स्टाइलिश लगता है एंड ये भी पैडेड आपको देखने को मिलेगा, प्रॉपर लाइनिंग वगैरह अटैच है, स्लीव मिल जाती है, स्लीव्स मिल जाती है इसमें आपको, प्लस ये भी आपको फ्री साइज में मिल जाएगा। तो ये भी एक ऐसा ब्लाउज है जो आपके पास होना चाहिए क्योंकि सभी साड़ियों के साथ आपके इजीली चले जाएगा। अब जो नेक्स्ट ब्लाउज है वो है रेड कलर में। रेड कलर की प्लेन ब्लाउज या फिर किसी भी कलर के प्लेन ब्लाउज तो आपके वार्डरोब में होने ही चाहिए, प्लेन ब्लाउज आप किसी के साथ भी पेयर अप कर सकते हो, लेकिन ये वाला जो रेड ब्लाउज है ना मेरा ये भी मेरा फेवरेट है। मैंने इसे ज्यादा पहना नहीं होगा वीडियोस में लेकिन ये मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। ये पूरा है ना सिक्वेंस ब्लाउज है एंड ये वर्क देख रहे हो ना ये पूरा सिक्वेंस का वर्क किया हुआ है। कलर ऑप्शन यहाँ बहुत सारे थे पर मैंने ये रेड कलर लिया। इसमें आपको है ना यहाँ तक स्लीव्स देखने को मिल जाएगी, प्रॉपर कॉटन की लाइनिंग है, पैडेड ब्लाउज है एंड ये भी आपको फ्री साइज में मिलता है, तो अगर आप एक्सल डबल एक्सल साइज में हो तो भी आप इजीली इसे पहन सकते हो, ऑल्टर करा सकते हो। इसमें जो सिक्वेंस यूज किए ना बहुत छोटे छोटे सिक्वेंस इसमें यूज किए हुए हैं जिससे ना ये आपके चुभते भी नहीं है, प्लस ना अगर आप हाथ भी लगाते हो ना तो भी फील नहीं होता है। तो ये एक हैवी ब्लाउज है जो आपकी वार्डरोब में होना चाहिए, आप इसे प्लेन साड़ी के साथ पेयर अप करना काफी अच्छा लुक आएगा।
तो ये है मेरा नेक्स्ट फेवरेट पीस। अब जो नेक्स्ट मेरा फेवरेट है वो है ये वाला सिल्वर ब्लाउज। आपने मेरे पास ना बहुत सारे सिल्वर ब्लाउज देखे होंगे अलग अलग पैटर्न में, लेकिन ये वाला जो सिल्वर ब्लाउज है ना ये मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। एंड इसका जो फ्रंट है ना वो बहुत ज्यादा प्यारा है। एंड सिल्वर और गोल्डन ब्लाउज तो यार आपके पास होने ही चाहिए क्योंकि आपके इजीली सभी साड़ियों के साथ इजीली चले जाते हैं। और इसका फ्रंट थोड़ा डीप है तो मुझे काफी ज्यादा स्टाइलिश लगा ये वाला ब्लाउज। एंड ये मेरा फेवरेट पीस है सिल्वर ब्लाउज में। मेरे पास जितने भी सिल्वर ब्लाउज है उनमें मेरा ये वाला फेवरेट पीस है। ये भी आपको पैडेड मिलेगा, फुल पे सिल्वर सिक्वेंस है, अंदर प्रॉपर लाइनिंग है। एंड ये भी आपको फ्री साइज में मिलता है, प्लस स्लीव्स भी अंदर अटैच मिलती है। तो अगर आप जैसे भी चाहो ना वैसे इसे ऑल्टर करा सकते हो, स्लीव्स भी लगवा सकते हो। तो ये भी मस्ट हैव पीस है जो आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट ब्लाउज में आपको रिकमेंड कर रही हूँ ये है ये वाला ग्रीन ब्लाउज। मिरर ब्लाउज मेरे पास बहुत सारे हैं और इनके अलावा भी ब्लाउज मेरे पास बहुत सारे ब्लाउज हैं। अगर आपको ये वाला कलेक्शन अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताना, मैं और अपने नेक्स्ट ब्लाउज आपके साथ लेके आऊंगी जो कि मेरे फेवरेट है। अगर मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करती ना वीडियो काफी ज्यादा लॉन्ग हो जाता। तो अगर आपको ऐसे ही कलेक्शन देखने हैं मेरे तो डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एंड ये वाला ब्लाउज भी बहुत अच्छा है। इसका जो है ना ये शोल्डर वाला पार्ट है ये मेरा फेवरेट पार्ट है। मेरे पास ना पिंक में भी है मिरर वाला ब्लाउज, लेकिन ये ग्रीन वाला मेरा फेवरेट है क्योंकि इसका शोल्डर पार्ट मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। प्लस ना मिरर्स इसमें आप देख सकते हो ना कितने प्यारे लग रहे हैं, प्लस कितने अच्छे से लगाए हुए हैं। इतने टाइम से मैं इसे इतनी सारी साड़ियों के साथ पेयर कर चुकी हूँ पर यार एक भी मिरर नहीं हटा है। प्लस एक्स्ट्रा मिरर्स भी आए थे इसके साथ, अगर हट जाए तो आप लगा लो। और इसका बैक भी बहुत प्यारा है, ये आपको डीप बैक देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो है दो स्ट्रैप दी हुई है, डोरी दी हुई है, जस्ट इन्हें आपको टाई अप करना है। अगर मुझे पिक्चर मिल गई ना मैं आपके साथ शेयर करूंगी, काफी ज्यादा अच्छा लगेगा ये वाला ब्लाउज भी पहनने के बाद। एक हैवी ब्लाउज है तो प्लेन साड़ी के साथ काफी अच्छे से चले जाता है। और ग्रीन कलर ऐसा है ना पिंक कलर के साथ या फिर और भी बहुत सारे कलर्स के साथ आप इसे पेयर अप कर सकते हो, काफी अच्छा लुक आएगा। ये भी आपको फ्री साइज में पैडेड ब्लाउज मिल जाएगा। तो ये भी है जो मेरा फेवरेट ब्लाउज है। इस तरीके का डिजाइनर ब्लाउज भी आपके पास होना चाहिए। अब जो नेक्स्ट और लास्ट पीस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है ये वाला पिंक ब्लाउज। पिंक ब्लाउज के ऑप्शन मेरे पास बहुत सारे हैं लेकिन ये वाला मेरा फेवरेट ब्लाउज है। ये आपको फुल सिक्वेंस ब्लाउज देखने को मिल जाएगा, प्लस फुल एम्ब्रॉयडर्ड है। प्लस सिक्वेंस है ना इसमें ट्रांसपेरेंट यूज किए हुए हैं जो शाइन करते हैं ऑनली जब आप इन्हें इस बहुत ज्यादा गौर से देखते हो तो ही दिखते हैं, नहीं तो दिखते नहीं है, बस ओनली शाइन करते हैं। एंड इस ब्लाउज का फ्रंट बहुत ज्यादा अच्छा है, डीप फ्रंट है, पैडेड ब्लाउज है। एंड ये भी पहनने के बाद बहुत ज्यादा स्टाइलिश लगता है। एंड पिंक कलर भी आपके पास 4-5 ब्लाउज होने चाहिए पिंक कलर के, पिंक रेड एंड ग्रीन कलर ऐसे हो गए ना मोस्टली साड़ियों के साथ चल जाते हैं। तो ये है जो नेक्स्ट ब्लाउज जिसको मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ, ये भी आपके पास होना चाहिए। तो अगर इन ब्लाउज के बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो, मैं कमेंट्स की रिप्लाई दूंगी। क्योंकि मैं नहीं चाहती थी यार वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाए, तो जस्ट मैंने आपके साथ शेयर किया है कि ये आपके पास होने चाहिए। और इस तरीके की आप और ब्लाउज कलेक्शन देखना चाहते हो मेरे तो डेफिनेटली कॉमेंट करके बता सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत जल्दी लेके आऊंगी इसका पार्ट 2। तो गाइस अगर आपके लिए ये वाला वीडियो हेल्पफुल रहा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को फॉर न्यू वीडियोस। एंड कमेंट करके बताना आपका फेवरेट ब्लाउज कौन सा है। तो चलिए अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।